औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई बहन अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज मैं एक लोकेशन पे जा रहा था और अचानक ही मैंने देखा कि एक आदमी एक नहर के अंदर बैठा है और कुछ चिल्ला या कुछ इलम वो पढ़ रहा है। तो यही मैं चेक करने के लिए यहाँ पे रुका हूँ कि यहाँ पे वो कर क्या रहा है। मैं अपनी बाइक को यहाँ पे मैंने रोका और यह करता हूँ मैं। ये नहर है, ये सूख चुकी है और इसके अंदर सर्दी का काफ़ी ज़्यादा मौसम है और यहाँ पे पाँव भी रखा जा रहा है तो ऐसे बर्फ़ के साथ जैसे जम रहा है। और ये इंसान जो यहाँ पे बैठा है और पता नहीं क्या कर रहा है। अरे भाई, इतनी सर्दी में यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये दायरा भी लगाया गया, ये और ये पता नहीं क्या पागलियां सा पागलियां सी मार रहा है। अरे भाई, इधर तो बात करो, मुझसे तो बात करो। कौन है तू? गलत कर मेरे नाल। क्यों जाऊं? क्यों जावा? दस तो सही मैनू। ये एक पता नहीं साथ में इसने क्या रखा हुआ है। ये हड्डी बड़ी है किसी जानवर की। यहाँ पे कर क्या रहे हो? बोल तो सही। निकल, तू खाना नहीं। किनू कहंदा पिया है? ए की शै है? खानु चल 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 खाना खानु देखो खानु बंदा इंदनु खानु हाँ खानु खा निकल आजा आजा खानु ओ खा तनु कह रहा खा खानु बंदा इंदनु खानु आया खा 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 खानु किसको खिला रहे हो? कौन है? कौन है थे? क्यों निकलना? मैंने दस तो सही किस वजह तो जा तू जा बाहर निकल दे चल खान दे आजा आजा खा तो आजा। ये आग जलाई हुई है और पता नहीं ये कर क्या रहा है यहाँ पे बैठा। और साथ में ये देखें, पता नहीं क्या रखा हुआ है इसने। आनु अदारा क्यों लाया? ये मेंटेन लगे हैं, तेरे पता लग जाएगा। फटा तू तेरे भी पता लगेगा। आनु आनु मैनू तो पागल कहंदा पिया। पागल तो तू लगदा पिया, मैनू पता नहीं की कीती जाने। ओ पागल ने आवख लते ने ओ खान खा 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 आजा खा आजा। इतनी रात को यहाँ पे कोई, ये देखें बिल्कुल, ये सामने नहर के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये आदमी यहाँ पे बैठा और पता नहीं। तेनू कह रहे खा खा आजा ओए पागल किधर तो बैठे थे? तुर जाएंगे पागल है जा किधर तो बैठे थे? खा इनू खा खा ओ पागल पागल ने तुर जाएंगे तू आ खा खा इनू खा तुम कहना खा खा आ जा आ जा ओए पागल ने तुम कहना तू जा तू आ जा बाय बाय खा
तेली लाभ के ले आ आजा 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 कहा तुम आया आया ये चीज जी वो जो ढूंढ के लाया पता नहीं किसके लिए, लेकिन ये कह रहा कहा तुम आजा तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ, और ये पता नहीं क्या चीज़ है और यहाँ पे पड़ी है किसी जानवर का, ये किसी जानवर की बहुत पुरानी हड्डी है ये, और यहाँ पे पड़ी है, और ये आदमी खा देखें पता नहीं कुछ। खा आजा आजा खान आजा तो खा खा आजा ओ वीर खा मेरे जे तू हमें करेंगे मैं पुलिस नु साध लेना फिर। खा तो चंगा मैं फोन करना उन्होंने तो फिर मैं बुलाना उन्होंने, फिर तू उन्होंने सामने कमी निकलते हैं हमें, मैं मोबाइल कर लूँ। खा 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 नो खा खा लेकिन खा इसका चेहरा मैं पहले देख लूँ ये कौन है। कान कान अरबा का अरबा मैं पहले ना अरबा मोबाइल पे आप कॉल करता हूँ, और फिर मैं पुलिस अरबा को यहाँ पे बुलाता हूँ, और फिर यहाँ पे ये इंसान को मैं जाने नहीं दूंगा ऐसे ही। मैं पहले फोन करता हूँ फिर। किधर को गया? ये नीचे को गया मेरे हिसाब से। इस पटड़ी पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गया किधर? मेरी बाइक, बाइक के पास मैं चल के देख रहा हूँ मेरी बाइक खड़ी है कि नहीं। बाइक मेरी खड़ी है और नीचे मैं चलता हूँ, और वो इंसान यहाँ से चला गया। ये जो चीज़ें हैं ये रख के बैठा था सामने, पता नहीं किसके लिए किसका बुरा कर रहा था, और ये आग साथ में जलाई गई है, और यहाँ पे वो इंसान जो था आदमी बैठा था, और आग अभी भी इसके शोले देखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ लपटे हैं, और पता नहीं क्या मुंह से बड़बड़ा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए रुकता हूँ मैं यहाँ पे, शायद वो दोबारा यहाँ पे आए इस जगह पे। जैसे ही मैंने पुलिस का नाम लिया और वो ऐसे भागा जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको। लोग सही कहते हैं कि ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आगे से इंशाल्लाह अपनी टीम बनाऊंगा, और इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ ही कोशिश करूंगा आने की, नहीं तो ऐसी लोकेशन ये देखे बिल्कुल नहर है और कोई भी इसके आसपास कुछ भी नहीं है। मेरी बाइक खड़ी है सामने वहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, तो मैंने सोचा शायद मेरी बाइक ना लेके भाग गया हो, शुक्र है फिर भी जाके एक बार तसल्ली कर लेता हूँ ऊपर कि वो गया किधर।
यहाँ पे, यहाँ से नीचे गया वो, यहाँ से ये पाँव के निशान है, ये देखें यहाँ से नीचे गया और फिर पता नहीं किधर को गायब हो गया। मेरे हिसाब से ये गन्ने के फसल लगी है, शायद इनमें ना छुप गया हो अपनी जान बचाने के लिए, लिहाजा मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो सच होगा हो वही दिखाऊं। इंशाल्लाह मैंने कोशिश पूरी की अपनी, तो फिर मैं नीचे की जानिब चलता हूँ। नहर के अंदर इतनी ठंड है कि ज़मीन पर चल लो तो कोई मसला नहीं है, नहर की रेत पर अगर चलोगे तो आपको वाकई में पता चल जाएगा कितनी यहाँ पे ठंड है। और ये आग के शोले और पता नहीं क्या, पागलों जैसी बातें कर रहा था, बड़ी अजीबोगरीब सी पागल इंसान। इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, नीचे क्या है, इसके पत्थर है इसके पर नीचे भी, और ये हड्डी रखी हुई है और आग जलाई है उसने, आग की लपटें भी काफी ज्यादा तेज हैं। ये अंदर सिगरेट की डबियां भी पड़ी हैं, मेरे हिसाब से ये नशा भी करता होगा। कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखूंगा कि अपने साथ अपनी टीम को बनाऊं और अपने साथ लेकर चलूं, नहीं तो अगर मेरे साथ कोई आदमी होता या कुछ होता तो ये आदमी हाथ में आ जाना था, लेकिन पता नहीं किधर को गया, कोई अंदाज़ा नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये चिल्ला कर रहा था, चिल्ला कशी जिसे बोलते हैं ये आदमी, ऐसे आदमी अपने चेहरों को रात के वक्त किसी को भी अगर कोई आ भी जाए उनके पास तो ढांप के रखते हैं कि उनकी शिनाख्त ना हो सके, उनका पता ना चल सके ये कौन है आदमी है या कौन ये इंसान है, तो इसलिए। अल्लाह अकबर। फिर भी 1-2 मिनट के लिए रुकता हूँ यहाँ पे और शायद वो इंसान वापस आए। देखने में साफ सुथरा था, साफ सुथरी चादर ली हुई थी ऊपर, और यहाँ पे कोई बाइक भी नहीं खड़ी, मेरी बाइक के अलावा कोई बाइक भी नहीं है जहाँ पे वो शख्स जिस जगह से आया वो पता चल जाए कि ये किस नंबर की बाइक है, ये कहाँ से आया, ये भी नहीं पता चल सकता। ये हड्डी पड़ी है जी, इस हड्डी को कह रहा था खा इसको और चला जाए, खा तू। ये हड्डी देख लें आप कितनी पुरानी होगी, इसके दांत भी देखें बिल्कुल दराड़ें आ चुकी हैं दांतों में, ये देखें ये कितनी पुरानी हड्डी, और इसको वो कह रहा है कि खा इसको। मेरे हिसाब से दोबारा नहीं आता वो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं किसी और को साथ ले आए और मेरा कोई वो शख्स नुकसान कर दे।
पहले तो मैं इस पत्थर को यहाँ से सरका देता हूँ, और ये जो दायरे वगैरह बनाए गए हैं इसको मैं हटा देता हूँ। किसी के लिए अगर बुरा भी कर रहा है तो फिर ऐसा ना कर सके। पत्थर जो है इसको मैं अगर यहाँ पे आए भी तो उसे पता चले कि यहाँ से अगर जाएगा भी किसी और जगह पे जाएगा तो जाए, लेकिन यहाँ पे बैठ के ना करें। ठीक है तो दोस्तों, मैं यहाँ से अब निकलता हूँ, और जो भी मामला थे वो आपके सामने थे, और आपने उस शख्स की बातें तो सुनी होंगी, वो कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, उसके पीछे भागा हूँ, और सांस फूल गया मेरा काफी ज्यादा। ठीक है दोस्तों, जिंदगी ने साथ दिया और धड़कने चलती रही, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए नया एपिसोड के साथ। अब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।